मार्गे साहब, दस्तूरन तो हमें आपके पास आना चाहिए था। हम लड़की वाले आई, शैलन की मम्मी है। नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सेम हियर। आइए, बैठिए जी, प्लीज। थैंक यू। एश्ले, जब से आपसे मिला है बस आप ही लोगों के बारे में बातें करता रहता है। मैं तो इतनी क्यूरियस हो रही थी, सोचा खुद ही आपसे मिलने चली आऊं। I must say, Mrs. Gabriel, you have a wonderful son. Absolutely, absolutely. लेकिन बरखुरदार नहीं आया, क्या बात है? He didn't come because he feels embarrassed. शादी की बातचीत है ना जरा। और शादी भी उसकी ऐसी जगह हो रही है जहाँ उसकी एक साली है, वो उसको इतना embarrass कर। आपका मतलब है प्रिया? That's right. आपको हमारे बच्चों के नाम याद है? ये गॉड की तरफ से एक साइन है कि हम सभी एक परिवार हो रहे हैं। बिगनिंग में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बट आफ्टर दैट ही वाज सच अ नाइस यंग बॉय हेल्पिंग अस। हां, देयर यू आर। ये हैं शैलन और ये एश्ले के पेरेंट्स, मिस्टर एंड मिसेस गैब्रियल गार्सिया मार्केज। बैठिए। ये बिल्कुल आपकी जैसी लगती है। मेरी बेटी है ना, कुछ लीजिए ना। हाँ, लीजिए ना आप लोग। आपने खाम खा तकल्लुफ किया, इन चीजों की जरूरत नहीं थी। यू मस्ट हैव द केक, शैलन ने बनाई है, बहुत अच्छी केक बनाई है। यस, यू मस्ट ट्राई दिस, शी बेक्स इट वेरी वेल। लो बेटा। शैलन के बारे में कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हमने शैलन को देख लिया, हमारे लिए इतना ही काफी। शादी का रिश्ता बहुत नाजुक रिश्ता होता है, लंबा रिश्ता होता है। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बिना झिझक। नहीं नहीं मिस्टर खन्ना, ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात तो यह है कि मुझे अपने बेटे की पसंद पर पूरा भरोसा, और फिर मुझे अपने एक्सपीरियंस और अपने इंट्यूशन पर पूरा भरोसा। तो फिर आपकी इंट्यूशन क्या कहती है? यही कि शादी की तारीख जल्दी फिक्स हो जानी चाहिए। आपका कब तक इरादा है? अगले महीने की सेकंड वीक में हो तो ज्यादा बेहतर है। इतनी जल्दी? माँ को तो यही लगता है कि उसकी बेटी जल्दी विदा हो रही है। मिस्टर खन्ना, इतना वक्त आपके लिए सफिशिएंट रहेगा? जी हाँ, हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। हालांकि बेटी की विदाई दुखदायक तो होती है, लेकिन बेटी को सही वक्त पर विदा कर देना चाहिए।